आज तो मैंने हमारे घर से सारे हिडन कैमरास निकाल दिए और तुम्हें छोड़ दिया है। अगली बार अगर ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा रेस्टोरेंट मैं लेकर आऊंगी। एक मिनट अनुप्रिया, तुम कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रही हो? क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास? पिछली बार समझाया था ना कि जब तक सबूत ना हो तब तक मेरे क्लाइंट पर इस तरीके के इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ केस क्या बनेगा। अगली बार अगर तुमने इस तरीके का इल्जाम लगाया तो मेंटल हैरेसमेंट का केस तुम पर बनेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सार्थक, क्योंकि आज तो ये बच गई लेकिन बहुत जल्दी इसका भांडा भी फूट जाएगा। इसे मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। मैं घर के बाहर हूं, मुझे जल्दी मिलो। बहुत करीब आ चुकी हूं मैं तुम्हारे कल्याण, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन। बाहर आप वेट कर रहा हूं। वेट तो मैं तेरा करती। किधर है तुम? पारम, पारम कहाँ गए तू? कर रही होती रात गई यहाँ पे? अयो, नारियल पेकने को आई। अरे इनको वो मिल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आवाज तो यहीं से आई थी, यहां तो कुछ भी नहीं है। बार बार बच गई लेकिन ये मल्हार आकर हर बार मेरा प्लान खराब कर देता। अगर आज वो नहीं होता तो ये कल्याणी आज मेरे साथ होते। नारियल ही फेंकने आई थी या कोई और काम है? यो, नारियल ही फेंकने को आई थी। झूठ। नारियल फेंकने को आई? फिर झूठ। तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या करने आई थी? अयो, नारियल फेंकने को आई थी। फोन दिखाओ।
ले। मैंने कहा फोन दिखाओ। ले। हर बात में ना तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, इधर दिखाओ। परम आया था मिलने? आयो सिर्फ मैसेज आई, वो नहीं आई, मैं देखने को आई पर वो नहीं है। और मुझे देखकर भाग गया है ना? ठीक है, प्लीज पुलिस को नहीं बताती, ट्रस्ट मी। परम बहुत अच्छी इंसान, अगर वो अरेस्ट हो जाती तो मैं मर जाएगी, मैं मेरे परम के बिना नहीं जी पाएगी। मैं रिक्वेस्ट करती, पैर पड़ती, प्लीज प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? वैसे भी मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अब मेरा मतलब है मैं किसी को भी रोते हुए नहीं देख सकता, ठीक है? पुलिस को नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू, मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। आज थोड़ी देर तुमने जो मेरे बच्चे से बात करी, उससे मेरी टेंशन थोड़ी कम हो गई है। उसको खिलखिलाते सुनते हुए दिल को सुकून मिला है। थैंक यू। चलो अब यहां पर इतनी रात क्या कर रही हूं? वेरी गुड विजयंती, वेरी गुड। ये खास नारियल उन्होंने भेजा है, इसी का तो मैं वेट करती। लेकिन ये कब तक चलेगा? हम जो काम करने आए वो पूरा हो ही नहीं पा रहा, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मालूम है मेरे को, मेरे से चांस मिस हुई, पर मैं पीछे नहीं हटेगी। मेरे पे, मेरे हस्बैंड पे और मेरे बच्चे पे हर लगी हुई ब्लेम, बिना गलती के हमारी जो इंसल्ट हुई वो सब मैं हटाएगी। और जो इंसल्ट हमारी हुई, जो ब्लेम हम पे लगी, उसको हटाए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाएगी। आप टेंशन ना करो, काम होएगी। आप बस गेट पर ध्यान रखो कि कोई आती नहीं। जी मैडम। मैडम आप अपनी बहू को मैडम बुलाती हैं? अब आप ही ने कहा था कि आप तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहती, तो फिर मैडम? ये रब्बा, तो की करांगी मैं? एक तो मेरा बेटा घर छोड़ के भाग गया और इस बूढ़ी माँ को इस बहू के भरोसे छोड़ गया। अब देखो, बहू है तो मैडम तो कहना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मेरे को घर से निकाल देगी और मेरी तो बैंड बज जानी है कि नहीं, इसीलिए बस मैडम कहना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आई, दूध पी लो, ताकत आ जाएगी। आजकल तुम नारियल पानी बहुत ज्यादा पीने लगी हो ना? नहीं मतलब मल्हार भी कह रहा था कि कल रात को भी तुम नारियल फेंकने बाहर आई थी और आज भी। खैर आज दूध पी लो और नारियल मुझे दो, लो। अयो दूध ले, दूध की स्मेल से मेरे को वॉमिट होती। मैंने इसमें केसर डाला है, तुम्हें स्मेल नहीं आएगा। लो दूध खत्म करो, दो। मैं इसे काट कर लेकर आती हूँ।
आती। छोड़, मैं करती। नहीं नहीं मैं कर लूंगी, मुझे आता है। अयो तुमको हैबिट नहीं है, मेरा डेली का काम, मेरे को आती मैं करती। तो नहीं मुझे भी नारियल काटना आता है, मैं करती रहती हूँ। तू हम सब बड़े लोग सुनता है ले। तो अयो नारियल को भी काटने की ना टेक्निक होती, अगर टेक्निक से नहीं काटते ना तो ऐसे फिंगर काट होती जैसे तुम्हारे साथ हुई। जिंदगी ने इतना बड़ा घाव दिया है, ये छोटी सी चोट महसूस भी नहीं होगी। नहीं कल्याणी, तुझे अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे। सॉरी आई, पर चाहकर भी मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। शो जादव, कुछ पता चला क्या? सर कल रात को किसी औरत ने मीनाक्षी मैम को जान से मारने की धमकी दी है। क्या मीनाक्षी मैम तो ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं उन्हें? अभी तक तो नहीं सर, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। और कुछ पता चला कि किस लड़की का फोन था? सर मेरे खबरी ने बताया है कि मैडम जी को कल्याणी जी पर शक है। कल्याणी? नहीं खाना मेनू। आयो बेबे, सोनते क्यों नहीं तुम? बोला ना मैंने, मैं ये नाश्ता बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं मेनू नहीं पसंद। जो बनेगी तुम वही खाएगी। आयो बेबे रोको। मैं मर जावांगी पर ये नहीं खावांगी। हाँ तो जाकर मर जाती। क्या बोली, क्या बोली तू? हाँ मद्रासिया हट। आयो तो एक मिनट, क्या चल रहा है ये? हाँ आयो डेली का रोटी पंजाबी चटोरी है, मेरा नाश्ते को लेके किट किट करती, फिर मैं सुनाती और ये वही खाती, पर आज नहीं खाएगी। अरे देखो ना, रोज रोज उत्तपा खिला के ना मैंने उत्तपा जैसा बना दिया है। देखो यू हेल्दी शांति। अच्छा तो फिर क्या खाना है आपको? मैनू अब मैनू ना छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं। समोसे चाट और आलू दे पराठे मिल जाए तो और क्या बात है। बस इतना सा मंगा दीजिए, मेरा पेट भर जाना बस। मुर्गन चटोरी बड़ी बड़ी जबान चलने लगी ना तेरी, देख अभी बताती हूँ तेरी तो। अयो
वजह से मैंने लग गई पैर में। अरे आए। अब रोज तरह को बुरा बोलेगी तो खुद के साथ ही बुरा होगी ना। चलो डॉक्टर के पास लेकर जाती मैं तुमको। तेरे नाल कहीं पर भी नहीं जावागी बस। अच्छा ठीक है वैजयंती तुम आराम करना, मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। चलिए धीरे से ले जाना। हाँ चलो। अयो रब्बा चल बटोरे कहाँ कर आती है। चलिए 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 आप ध्यान मत दीजिए। मद्रासी आफत कुछ ना कुछ करती रहती है मेरे नाल। आई अयो रब्बा सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं ऐसा क्यों करूंगी? परम को भगाकर मुझे क्या फायदा होगा सर? इनफैक्ट जब से वो भागा है कोई मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है सर। सर मुझे फंसाया जा रहा है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। परम कहाँ जा रहा है? कल्याणी जैसी हैंडराइटिंग है।